बर्बरिक से सर मांगने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उनके सर को आखिर कहां रखा? क्या आज भी इस धरती में कहीं छुपा हुआ है बर्बरिक जी का सिर? आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। महाभारत एक ऐसा युद्ध था जिसमें धर्म और अधर्म का आमना सामना हुआ। लेकिन क्या आपको पता है कि उस समय एक ऐसा योद्धा भी था जो 18 दिन के इस युद्ध को मात्र एक पल में ही खत्म कर सकता था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने धर्म के खातिर उस योद्धा को रणभूमि से हटाने के लिए उसका शीश मांग लिया। वो योद्धा कोई और नहीं बल्कि बर्बरिक था। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक के सर को कहां छुपा कर रखा था? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपके इन सभी सवालों का जवाब मिल पाएगा। बर्बरिक भीम और हिडिंबा के बेटे घटोत्कच के पुत्र थे। बर्बरिक की माता का नाम अहिल्यावती था, जो कि एक नाग कन्या थी, और उनकी मां ने उन्हें बचपन में कई सारी चीजें सिखाई थी, जिसमें से एक था हमेशा धर्म का ही साथ देना, जो कमजोर या असहाय हो उनका ही पक्ष लेना। कहते हैं वीर बर्बरिक को महादेव की तपस्या करके 3 ऐसे बाण प्राप्त हुए थे जिनकी सहायता से वो पूरे के पूरे महाभारत के युद्ध को क्षण भर में ही खत्म कर सकते थे। जब उन्हें पता चला कि महाभारत का युद्ध होने वाला है, तब उन्होंने अपनी माता अहिल्यावती से आज्ञा मांगी कि वो भी युद्ध में भाग लेना चाहते हैं। उनकी माता अहिल्यावती ने उन्हें युद्ध में भाग लेने के लिए बोल दिया, लेकिन एक वचन भी लिया कि जो भी पक्ष हार रहा होगा वो सिर्फ उसी की तरफ से युद्ध लड़ेंगे। अर्थात अगर बर्बरिक युद्ध में मौजूद होते और पांडव हार रहे होते तो वो पक्का पांडवों का साथ देते, और अगर वहीं कौरव हार रहे होते तो वो कौरवों का साथ देते। जब ये बात श्री कृष्ण को पता चली, तब वो एक ब्राह्मण का वेश बनाकर बर्बरिक के पास आए और उनसे कहा कि तुम इन 3 बाणों से महाभारत का युद्ध कैसे लड़ोगे? इस पर बर्बरिक ने जवाब दिया कि मैं केवल एक बाण से ही महाभारत का युद्ध खत्म कर सकता हूँ। तो श्री कृष्ण ने बर्बरिक को उसकी वीरता दिखाने के लिए कहा। तब बर्बरिक ने एक बार में ही पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को छेद दिया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने लीला से एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा दिया। तब वह बाण घूमता हुआ श्री कृष्ण के पैर के पास आकर घूमने लगा। ऐसे में बर्बरिक ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण से विनती की कि कृपया करकर वो अपना पैर हटा ले, क्योंकि अभी भी उनके पैर के नीचे एक पत्ता दबा हुआ है। और उन्होंने अपने बाण को पीपल के सभी पत्तों को छेदने के लिए कहा है, किसी के पैर को छेदने के लिए नहीं। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण समझ चुके थे कि अगर बर्बरिक कौरवों की ओर से लड़ा तो अधर्म जीत जाएगा, और इस वजह से उन्होंने बर्बरिक से दान के रूप में उनका शीश मांग लिया। बर्बरिक पहले ही भगवान श्री कृष्ण को पहचान चुके थे, लेकिन अपने वचन से वो मुकर नहीं सकते थे। उन्होंने अपना शीश तो दान में दे दिया, लेकिन श्री कृष्ण से ये भी कहा कि वो पूरा का पूरा महाभारत का युद्ध देखना चाहते हैं। तो श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से बर्बरिक का सर काट कर धड़ से अलग कर दिया। वहीं स्कंद पुराण के पहले खंड महेश्वर खंड और दूसरे विशेष खंड यानी कुमारी उपखंड में वेद व्यास जी ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि जब श्री कृष्ण ने बर्बरिक का सिर धड़ से अलग किया, तब उन्होंने चंडिका देवी का आह्वान किया और देवी से आह्वान किया कि इस भक्त के सर को अमृत से सींचो और इसे हमेशा के लिए अमर बना दो। और तब 24 देवियों ने बर्बरिक जी के सर को अमृत से सींचा था। बर्बरिक जी के सर को अमृत से सींचने के बाद सारी देवियां अंतर्ध्यान हो गई और वीर बर्बरिक का सर उसी पर्वत के शिखर पर खाटू नरेश के नाम से हमेशा के लिए स्थिर हो गया। वहीं रही धड़ की बात, तो श्री कृष्ण ने 5 पांडवों सहित बर्बरिक जी के धड़ का अंतिम संस्कार करा दिया। वहीं बर्बरिक की इच्छा के अनुरूप ही श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि जब तक पृथ्वी, नक्षत्र, चंद्रमा और सूरज रहेंगे, तब तक तुम लोगों के लिए हारे का सहारा बनकर रहोगे और लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। श्री कृष्ण ने बर्बरिक जी को अपना नाम यानी बाबा श्याम भी दिया और पर्वत की चोटी पर उनका सर रख दिया, जिसे आज खाटू श्याम जी के नाम से पूजा जाता है। वहीं से बर्बरिक जी ने पूरा का पूरा महाभारत का युद्ध देखा था। कहते हैं बर्बरिक का सिर आज भी वहीं पर रखा है, जिसे सब खाटू श्याम के नाम से पूछते हैं। तो ये थी कहानी महान वीर बर्बरिक की, कि कैसे उन्होंने अधर्म पर धर्म की विजय के लिए अपना शीश दान दे दिया। और क्योंकि उनके पास 3 अभेद्य बाण थे, इसीलिए उन्हें 3 बाणधारी और शीश का दानी भी कहा जाता है।
और आज भी खाटू श्याम के नाम से पूरे भारत में वीर बरबरीक की पूजा की जाती है। उन्हें हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा कहा जाता है। तो आपको ये खास जानकारी अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय खाटू श्याम अवश्य लिखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।